हेलो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कंप्यूटर केबल और आपके मैग्नेटिज्म के अंदर क्या कोई रिलेशन है, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द कंप्यूटर केबल्स एंड द मैग्नेटिज्म। हम जानते हैं कि हमारे मैग्नेटिज्म में हमारे करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारे कंप्यूटर केबल के अंदर हमारे जो दो वायर साथ में चलते हैं, आप देखेंगे हमेशा उनमें एक वायर जो है वो सिग्नल ले जाने का काम करता है और एक सिग्नल लेकर आने का काम करता है। यानी दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ सिग्नल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, वन इज यूजिंग फॉर अपलोड एंड वन इज यूजिंग फॉर डाउनलोड। अब ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में जो सिग्नल ट्रैवलिंग हो रहा है, इसकी वजह से आप समझिए कि उन दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट भी डिफरेंट है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट के कारण इन दोनों वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और एक दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देते हैं। दैट्स व्हाई आपके कंप्यूटर केबल जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि एक सिग्नल ले जाने का काम करे, दूसरा सिग्नल लाने का काम करे और दोनों को साथ में रखा जाए ताकि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर सके। तो आपको ये जानकर कैसे लगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर का जो कंसेप्ट पढ़ते वो कंप्यूटर केबल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।